तो फिर कैसे था ये सब अब अम्मा को हैंडल करना? शी इज़ अ टॉल वुमन, She's a tall woman. Well, इंडिपेंडेंट. I had my brother, my sister, बहन. हाँ बहुत हम सब ने, जितने अब्बा ने किया, भाई बहनों ने किया, my mother's closest friends. It was an interesting, beautiful experience almost. के जितना प्यार वो चाहती थी अपने लाइफ टाइम में, उन आखिरी 9-8 महीनों में जितना उनको लाड प्यार हमसे, मुझसे मिला, यू नो, भाई से मिला, सबसे मिला. I'm glad she got that. You know, there are so many instances where somebody passes away. तुमने उनको फिर घुट-घुट के प्यार किया और उनके साथ लेटी और हाँ वो सब क्या सब हाथ पांव सर मुंह चूमना दबाना नहलाना बैठना टाइम देना खिलाना वो सब हुआ फिर. एंड इट्स अनफॉर्चुनेट यू पीपल हु हैव लॉस्ट समवन एक्सीडेंट में, जब अचानक से कोई चला जाता है ना, उसके बाद रिकवर करना मेरे बस से बाहर है. आई डोंट नो हाउ पीपल गेट ओवर दैट. दैट्स अ ह्यूज ह्यूज ट्रेजेडी एंड लॉस, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ आई एम श्योर टू अपने आप को दोबारा उठाना एंड टू कंटिन्यू विद लाइफ. बट व्हेन समबडी इज सिक एंड यू आर प्रिपेयर्ड, देन यू गेट टू से गुड बाय एंड यू गेट टू मेक अप फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू आरंट एबल टू डू. जो भी सुलह करना है, अगर किसी से कोई लड़ाई है या जो भी, अब वो सब आपको उस चीज़ का मौका मिल जाता है. तो ये अल्लाह की तरफ से इट वॉज अ नेमत एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी हैड, ऑल ऑफ अस हैड दैट एक्सपीरियंस बिकॉज इट ब्रॉट द फैमिली क्लोजर. तो सही रहा सर. एंड अगेन लाइक अभी लोग कहते हैं, मेरी बहन कभी कहती है कि आप आर यू टू कोल्ड, कुछ तो मतलब यू नो कि चेक इन करो, हाउ इज़ एवरी वन आफ्टर ममा ये वो. तो मैं हमेशा कहती थी आई व्यू डेथ एज पार्ट ऑफ लाइफ. पैदा होते हैं फिर आप वापस जाते हैं, नॉट नेसेसरली बुढ़ापे में. एट एनी टाइम व्हेन योर क्रिएटर कॉल्स यू बैक यू हैव टू गो एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू टू स्टॉप इट. यू नो पीपल लिव इन रिग्रेट कि काश ये क्या होता तो वो क्या होता, तो वो आपके हाथों में नहीं है. तो मैं हमेशा वैसे ही सोचती थी, एक ये थॉट थी मेरी कि मैं किस तरह डेथ को व्यू करती हूँ. अगर कोई मेरा करीबी जानने वाला फैमिली मेम्बर फौत हो गया तो मैं हाउ विल आई रिएक्ट? नाउ यू शुड थिंक आई वोंट रिएक्ट. सो व्हेन आई लॉस्ट माई ग्रैंड पेरेंट्स आई सेड बट दे वर 86, माशाल्लाह बड़ी लंबी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने एंड इट वॉज दैट टाइम टू गो. एंड अच्छा हुआ दे लेफ्ट नाउ बिफोर दे कम्प्लीटली डिपेंड ऑन समवन एल्स. बट देन माई मदर फेल इल, और आई यूज टू थिंक यू नो व्हेन माई anyone I was close to, if any of family member or if my husband or someone died, would I be bilkul hi ke buri halat kya ho jati? And I said no, I'd be fine. So I don't know why, because I used to think about this. So jab ammi ka hua, I thought it's okay, it's part of, you know, she lived her life, she had a good life, and this was her time to go. So she left great memories behind in all her glory. Aur hamesha unka ye tha ki main kisi ka mohtaj na rahu. तो नहीं रही, सिर्फ आखिरी 1-2 महीनों के लिए शी वॉज बिकॉज शी वॉज सो वीक, बट अदरवाइज दैट्स आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन अगेन. शी हैड कैंसर, या. सो टू सी सच अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फोर्स ऑफ नेचर बी सो वीक, दैट वॉज माई ट्रिगर टू बी लाइक आई कैन नॉट सी हर वीक, और आई कांट अलाउ हर टू जस्ट डाई. वी डिडंट थिंक शी वॉज गोइंग टू डाई. So that's why I said, oh my God, my focus had to shift from Dubai and my private life to just completely focusing on that. But it ended the way it did because it was supposed to. And in the meantime, do I regret anything? No, I'm very happy in life where I am right now, with myself, with my family, with my inner peace. There's a lot of inner peace. There's a lot of positivity. There always has been. And actually, woh bhar gayi na. जाते जाते वो तुमने शी फिल्ड यू इन विद सो मच लव एंड यू वर एबल टू एक्सप्रेस, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है ना. आई थिंक वो मौका मिला ना कि जो बचपन में जो एक था, मैंने एक लकीर खींच दी है, वो टूट गई ना, वो हदें सब पार करके तुमने बहुत प्यार किया तो वो आपको भर गई ना. तो वो विल लास्ट यू फॉर योर एंटायर लाइफ, दैट दोज 9 months दैट यू स्पेंट विद हर. क्या क्या ख्वाहिशें की थी उन्होंने? उनको एक्चुअली सब कुछ खाना था, पर हमने वी वेंट द अल्टरनेटिव वे. तो बहुत ज़्यादा हद से, इफ आई देयर इज वन रिग्रेट, आई'ड से इफ आई हैड टू हैव अ रिग्रेट, इट वुड बी के
जब कोई इतना बीमार है, आई गेस इट वॉज अस पुलिंग अ स्ट्रिंग्स के नहीं, बिकॉज बहुत सी मिरेकल केसेस होती हैं, डॉक्टर ने आपको 2 महीने दिए और आप अपनी पूरी डाइट चेंज कर दें, बिकॉज आई एम अ ह्यूज बिलीवर इन योर डाइट, तो इट कैन गिव यू लाइफ अगेन, यू नो, एंड दैट हैपन्स, बट इफ इट्स गोइंग, इफ इट्स मेंट टू हैपन इट विल हैपन, इफ नॉट, बट हमारा ये था कि ट्राई तो करें, तो चीनी, दूध, ग्रेन्स, फ्लां 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 सारा रोक दिया था, एंड जस्ट वेरी बोरिंग ब्लैंड हेल्थी फूड वी यूज्ड टू फीड हर, एंड शी यूज्ड टू बी लाइक, इससे पहले कैंसर से पहले ये मुझे मारेगा, प्लीज़ मुझे अपना दूध, मलाई, चीनी, जैम, कोक्स, बर्गर सब खाने दें, एंड वी यूज्ड टू बी लाइक नो, उनकी ख्वाहिशें ये थी कि मुझे खाना खाना है, उनको ऑस्ट्रेलिया हमेशा जाना था, बट शी वेंट हज पे जाना था, एंड हम में से कोई उनको हज पे नहीं लेके जा रहा था, हम में से क्या, भाई और बाप, तो वो नहीं लेके जा रहे थे बिकॉज दे हैड देयर ओन रीजन्स कि हमें नहीं जाना वहाँ, उस इकॉनमी में हमने पैसे नहीं डाना, खुदा के घर जा रहे हो क्यों इतने, आप हमें नहीं लेके जाना, आप किसी ग्रुप में चली जाएँ, सो शी वॉज लुकिंग फॉर अ लेडीज़ ग्रुप, बट देन व्हेन शी गॉट डायग्नोस्ड और पता चला कि फोर्थ स्टेज है, तो फिर जाहिर है बाबा ने कहा ऑफ कोर्स हम जाएंगे, तो उनकी ये ख्वाहिश थी हज पे जाने की, तो उनकी वो पूरी हो गई, उनको टर्की देखना था, टर्की लेकर गई मैं, फिर ईद द फॉलोइंग ईद आई टुक द फैमिली, वी ऑल वेंट, मलेशिया जाना था उनको, मलेशिया कभी नहीं गई, शी गॉट टू वीक, बट अदरवाइज आई थिंक उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी इन टर्म्स ऑफ वांटिंग के बच्चे और शौहर और घर सही रहे, वो जाने के लिए तैयार थी बहुत पहले, आई थिंक हज करके उनका था कि अब मुझे किसी वक्त भी बुला बस टेक मी नाउ, बट शी केप फाइटिंग एंड ट्राइंग हमारे लिए, एंड आई थिंक नाहिद आंटी, पटिशा आंटी, इनकी जो करीब हर बेस्ट फ्रेंड्स वुड बी लाइक परवीन, दे फाइन, यू नो, डोंट वरी, बिकॉज ज़ाहिर है शी कन्फाइड इन देम कि यू नो टिंकी कैसा है, क्या होगा, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये वो, तो बिकॉज वी आर ऑल वेरी क्लोज टू माई मदर्स फ्रेंड्स ऑल्सो, तो दे वुड जस्ट लेट हर नो दैट इट्स ओके, एंड सो इट इज़ ऑल वेरी पीसफुली, इवन अ फ्यूनरल शी सेड आई डोंट वांट अ बिग धमाका, आई डोंट वांट 3-4-5 दिन का, यू नो, रोना धोना और ग्रीविंग एंड कुल्स एंड ऑल दैट, कुल से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो पीछे रह रहे हैं और पढ़ रहे वो उनके दिल की ठंडक इन दिलासे के लिए ठीक है, बट माई डीड्स आर विद मी, वट आईव डन, वट आईव नॉट डन, माई प्रेयर्स, माई वट एवर इज गोइंग विद मी, सो प्लीज़ नो वाइट चादर स्प्रेड ऑल ओवर, एंड नो, यू नो, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट, सो हर फ्यूनरल वॉज ऑल्सो नॉट लाइक दैट, पीपल जस्ट केम एंड talked about how wonderful she was, ki she was the first person who taught me this, so the first time I tried this she was the one, and you know, from like old house help to purane neighbors unke meetha dharke, to friends, to students of hers, to her Quran class people or her yoga students or friends or whoever it was, whoever that touched her life, they'd come and share the stories, and I think that was a really, kya miss karti unka sabse zyada, unki presence, एक दफ़ा एक रियलाइजेशन होती कि मैं घर आके माँ बोलूँगी और आगे से जवाब नहीं मिलेगा, सो दैट वाज अ पिंच के डैम, और जब मेरे बच्चे होंगे, अगर होंगे, तो उनकी नानी नहीं होगी, बस मुझे ये बहुत है, बिकॉज आई ग्रू अप विद अ नानी एंड माय दादी इज़ 86 माशाल्लाह, एंड शी लिव्स विद अस नाउ, ग्रैंड पेरेंट्स, आई सी ऑल माई फ्रेंड्स जिनके बच्चे हैं, वो इतने फ्री हैं आजकल, बिकॉज वो अपने बच्चों को थोड़ा पाल पोस के, बाई 3-4 months इफ दे नीड टू ट्रैवल या कुछ काम है, you know, my kids at my mother's house, a nani or a mother takes, you know, after you, you don't trust anyone but your own mother with your child so much, so ek, it's very selfish ke the freedom that you get ke the kids at my mother's house and then I can go do something, so I'll miss that. I always wanted her to be a nani and to have children so that my mother could just be a nani, not unki khushi ke liye, just because my mother would be such a super cool nani, so ek ye tha. But otherwise, her presence, she was quite, she had quite an aura. कौन सी बात है जो you sort of hold close to? Honesty, straightforward, and लोगों की मदद करना. There's not one person whose life she didn't touch in a way, in a positive way, जहाँ पे she was able to bring change in their life or help them. उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा आसान या बेहतर करना. वो सीखा और वो feeling और वो देखते ही just the way people are in the house, that aura. Of hers, that blatant, honest, saaf dil, saaf niyat wala jo presence aur aura thi, I guess that's what I miss. To kya bana diya is saare safar ne Sanam ko? Aaj kya hai Sanam? Kaun hai? Ek bahut hi don't put too many words in my own mouth,
Just a very at ease, comfortable, confident, not overconfident, but confident in things will work out. Jo bhi hota hai, wo achhe ke liye hota hai. Aur aapke liye jo bhi likha hai, wo ho jayega. Aur jo aap sochoge, wo hoga. So just a lot of, bahut zyada positivity, a sense of security, no insecurity, a lot of peace, inner peace, happiness, positivity. And bas acha kaam karna hai, logon ko acche tarike se affect karna hai kaam ke through, and eventually do a lot of work to give back. I think ek dafa ye acting ka josh ya shauk ya aag thodi si bujh jaye, then maybe focus totally on social work.